नमस्कार, मैं आरती शर्मा जन समय न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। आज के मुख्य समाचार। पर्यावरण दिवस पर हुई रैली, पेड़ लगाने को दिया संदेश। नगर परिषद जालौर ने वितरित किए कचरा पात्र। जिला कलेक्टर सोनी ने कहा, सरकारी योजनाओं में जिले को अग्रणी बनाओ। अपनी मांगों को लेकर विद्यार्थी मित्रों का धरना 18वें दिन भी जारी। निर्जला एकादशी पर जालौर लायंस क्लब द्वारा शरबत एवं ठंडे जल की व्यवस्था। एम्बुलेंस से टकराया ट्रक, एक की मौत, तीन जख्मी। शिविर में भाग लेने रवाना हुई जालौर आर्य वीरांगनाएं। जिला कलेक्टर के आदेश पर किया आकस्मिक निरीक्षण। विकलांग और गरीब लोगों की मदद के लिए आयुक्त से की वार्ता। संत श्री रघुनाथ राम महाराज की द्वितीय वर्षी 8 जून को। पर्यावरण दिवस पर हुई रैली, पेड़ लगाने को दिया संदेश। राजस्थान सरकार एवं वन विभाग की ओर से आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर रैली का आयोजन किया गया। जालौर क्षेत्रीय वन अधिकारी पूरा राम ने सवेरे 8 बजे नगर परिषद जालौर से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। पर्यावरण रैली नगर परिषद से अस्पताल चौराहे, सूरज पॉल, भीनमाल रोड से होते हुए रणछोड़ नगर स्थित वन विभाग नर्सरी पर आकर संपन्न हुई। रैली में सम्मिलित विभिन्न संगठनों द्वारा वहां पर पौधारोपण किया गया। वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी पूरा राम ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रही है, किंतु स्वयंसेवी संस्थाओं, पर्यावरण प्रेमियों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के साथ ही प्रत्येक नागरिक को इनमें अपना पूरा योगदान देना होगा, तभी हम पर्यावरण संरक्षण कर पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उपयोग को रोकने की दिशा में जन चेतना जागृत करने में सहयोग करना चाहिए। शिक्षा विभाग के एडीओ भेराराम चौधरी ने आम जन को आह्वान करते हुए कहा कि प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखकर ही हम अपने आने वाली पीढ़ी को सुखद एवं सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं। रैली में अस्पताल के नर्सिंग छात्र छात्राओं ने भाग लिया। साथ ही इस मौके पर सामान्य चिकित्सा कर्मचारी शिव कुमार दवे के साथ कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। नगर परिषद जालौर ने वितरित किए कचरा पात्र। जालौर नगर परिषद की ओर से पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज शाम एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परिषद की ओर से शहर के हाथ लोरी संचालकों को उनकी लोरियों पर होने वाले कचरों को इकट्ठा करने के लिए कचरा पात्र वितरित किए गए। नगर परिषद आयुक्त त्रिकम दान चारण के अनुसार नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। ठोस अपशिष्ट स्रोतों के निस्तारण के लिए कचरा पात्र उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आयुक्त ने लोगों से आह्वान किया है कि शहर साफ सुथरा रहे, इसके लिए प्रशासन के साथ साथ नगर वासियों का भी बराबर सहयोग रहना आवश्यक है, तभी हम अपने शहर को साफ सुथरा एवं स्वच्छ रख सकेंगे। नगर परिषद की ओर से 150 सूखे व गीले कचरा डालने के लिए कचरा पात्र वितरित किए गए। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति भवर माली, प्रतिपक्ष नेता मिश्रीमल गहलोत, पार्षद सूरजमल जांगिड़, मंजू भूतड़ा, अंबालाल, भरत मेघवाल, प्रेमाराम, हंसमुख नागर, फूलाराम, देवी मीणा, अफसाना बानो सहित कई लोग उपस्थित थे। इस मौके पर सभापति भवर माली ने पौधारोपण भी किया। जिला कलेक्टर सोनी ने कहा, सरकारी योजनाओं में जिले को अग्रणी बनाओ। जिला कलेक्टर एलएन सोनी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में साप्ताहिक बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर सोनी ने मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस में प्राप्त निर्देशों को अमल में लाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही गत बैठक की समीक्षा कार्यों की प्रगति के बारे में जाना। उन्होंने कहा कि जिले को सरकारी योजनाओं की उपलब्धियों में अग्रणी बनाने में हम सभी का प्रयास होना चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को जल्द से जल्द जिले के मुख्य मार्गों पर पेच कार्य करवाने के निर्देश दिए।
बैठक में गांव में आयोजित रात्रि चौपाल में समस्या का निस्तारण, बारिश से पहले जिले के बांधों के गेटों को चेक कर दुरुस्त करने जैसे आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर सोनी ने सभी विभागों के अधिकारियों को सरकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के साथ उनमें जागरूकता पैदा करने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने कार्यालय मूवमेंट रजिस्टर का संधारण करें तथा फील्ड ऑफिसर एवं अन्य कर्मचारियों के मुख्यालय से बाहर जाने पर इनका इंद्राज करने के उपरांत ही मुख्यालय छोड़े। बैठक में उप वन संरक्षक अनीता, अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम मीना, उप पुलिस अधीक्षक दुर्ग सिंह राजपुरोहित, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता एनके माथुर, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता कमलजीत एवं वाटरशेड के अधीक्षण अभियंता दिलीप वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। अपनी मांगों को लेकर विद्यार्थी मित्रों का धरना 18वें दिन भी जारी। राजस्थान विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ जालोर शाखा का अपनी मांगों को लेकर धरना आज 18वें दिन भी कलेक्ट्रेट के सामने जारी रहा। ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में हुई अनियमितता के कारण कई अभ्यर्थी वंचित रह गए हैं। पीईओ व दबंग लोगों ने अपनी हट धर्मिता से योग्य विद्यार्थी मित्रों का चयन न कर अपने चहेतों का चयन कर दिया, जिससे जिले के सैकड़ों विद्यार्थी मित्र इस भर्ती से वंचित रह गए। विद्यार्थी मित्रों की मांग है कि पूरे जिले में हुई भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष जांच कर पुनः विद्यार्थी मित्रों को अनुभव व योग्यता को वरीयता देते हुए चयन करवाकर राज्य सरकार की मनसानुसार निर्देशित करावे। इस अवसर पर विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष कुंदन सिंह बालावत, शैतान सिंह, डूंगर सिंह, अच्छला राम, नाथू सिंह सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी मित्र उपस्थित थे। निर्जला एकादशी पर जालोर लॉयंस क्लब द्वारा शरबत एवं ठंडे जल की व्यवस्था। निर्जला एकादशी के मौके पर आज जालोर बस स्टैंड पर लॉयंस क्लब के तत्वावधान में लॉयंस विजय मोदी द्वारा सवेरे 10 बजे से यात्रियों के लिए शरबत व ठंडे पेयजल की व्यवस्था की गई, जिसके तहत लॉयंस क्लब के सदस्यों द्वारा आने जाने वाले यात्रियों को शरबत व ठंडा जल पिलाया गया। ऐसी गर्मी में लॉयंस क्लब द्वारा दी जाने वाली इस सेवा से जहां पेयजल से राहत मिली, वहीं यात्रियों ने इस सेवा कार्य की दिल से सराहना की। इस अवसर पर लॉयंस क्लब के अध्यक्ष निर्मल कुमार सोनी, उपाध्यक्ष बीएम जैन, सचिव दीपेश सिद्धावत के साथ समाज सेवी एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्याम सुंदर गोयल ने अपनी ओर से सेवाएं दी। एम्बुलेंस से टकराया ट्रक, एक की मौत, तीन जख्मी। रविवार रात्रि 10 बजे गुजरात से जालोर की ओर आ रही एम्बुलेंस की सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई, जिससे एम्बुलेंस में सवार मांडवला निवासी तीन जख्मी हो गए एवं एक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पालनपुर से मांडवला निवासी समेला राम पुत्र चमना राम मेघवाल पथरी का इलाज करवाकर अपने पुत्र विजय राम व पोला राम पुत्र हरदाना राम मेघवाल के साथ वापस आ रहे थे। इसी दरमियान थर्ड फेज भीमाल रोड पर सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई, जिससे एम्बुलेंस में सवार समेला राम व एम्बुलेंस चालक पारसाराम मेघवाल निवासी खरल गंभीर घायल हो गए। वहीं विजय राम व पोला राम को हल्की चोटें आई। गंभीर अवस्था में घायल समेला राम व चालक पारसाराम को जालोर सामान्य चिकित्सालय में लाया गया, जहां उपचार के दौरान समेला राम की मौत हो गई। शिविर में भाग लेने रवाना हुई जालोर आर्य वीरांगनाएं। आर्यवीर दल के महामंत्री शिवदत्त आर्य के अनुसार टिटोली आश्रम रोहतक में आयोजित आत्मरक्षा आर्य वीरांगना सशक्तिकरण एवं चरित्र निर्माण शिविर में भाग लेने के लिए रविवार शाम को आर्य वीरांगना साक्षी आर्य, चारु आर्य व अनन्या परमार के साथ प्रशिक्षक पुष्पेंद्र परमार रवाना हुए। शिवदत्त आर्य के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम आर्य व संयोजिका प्रवेश आर्य के निर्देशन में रोहतक के आर्य समाज के स्वामी इंद्रवेश के टिटोली आश्रम में 6 से 12 जून तक
शिविर का आयोजन होगा। इस अवसर पर दल के अध्यक्ष कृष्ण कुमार, संचालक प्रशांत सिंह, कोषाध्यक्ष विनोद आर्य, पार्षद भरत मेघवाल, कांतिलाल आर्य, छगन आर्य, दलपत सिंह आर्य व गणपत आर्य ने वीरांगनाओं को शुभकामनाएं। जिला कलेक्टर के आदेश पर किया आकस्मिक निरीक्षण। सायला संवाददाता पूरा राम थलवाड़ की रिपोर्ट के अनुसार जालौर जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण सोनी के निर्देश पर अधिकारियों द्वारा सायला उपखंड के सरकारी कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। सायला तहसीलदार ताराचंद वेंकट ने BCMO कार्यालय एवं उप तहसीलदार रमेश माली ने जलदाय विभाग का आकस्मिक निरीक्षण किया एवं कार्यों के प्रति आवश्यक निर्देश दिए। विकलांग और गरीब लोगों की मदद के लिए आयुक्त से की वार्ता। सांचौर क्षेत्र के चुन्नीलाल राज पुरोहित एवं देवराज चौधरी ने जयपुर में निःशक्त जन आयोग के आयुक्त धनाराम पुरोहित से विकलांग और गरीब लोगों की सहायता के लिए वार्ता की। इस आयुक्त पुरोहित ने आश्वासन दिया कि 15 से 20 दिनों में विकलांग और गरीब लोगों को सहायता एवं साइकिलें दिलवाएंगे। साथ ही भारत विकास परिषद में आकर मीटिंग करके क्षेत्र की जो भी समस्याएं होंगी उसका समाधान करेंगे। संत श्री रघुनाथ राम महाराज की द्वितीय वर्षी 8 जून को सायला के निकटवर्ती लुम्बा की ढाणी के राजाराम आश्रम के महंत श्री गुलाब राम महाराज की जानकारी के अनुसार संत श्री रघुनाथ महाराज की द्वितीय पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई। वर्षी को लेकर 7 जून को भजन संध्या एवं 8 जून को भव्य मेले का आयोजन होगा जिसमें आसपास के गांवों की चौधरी समाज के सैकड़ों लोग भाग लेंगे। और अंत में मौसम विज्ञान की खबरों में आज जालौर शहर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की समाचार खबरों में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालौर।